केसीआर सेवा दलम में टीआरएस सिकंदराबाद हलके से पार्लियामेंट के रुकने के लिए खसूसी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें इस खसूस में गुफ्तगू शनीद की जाएगी। इस मीटिंग में शिरकत के लिए मेहंदीपट्टनम और दीगर जगह से कई लोग रवाना हुए। आज केसीआर सेवा दलम ने टीआरएस सिकंदराबाद हलका एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज प्रिपरेशन मीटिंग आज केटीआर साहब लगाए। इस मीटिंग के लिए हम मेहंदीपट्टनम से ज़्यादा लोग हम यहां से निकल रहे। इसी के साथ हमारे टीम्स रविंद्र भारती में लोग थोड़े अटैच होने वाले हैं, उसके साथ लुमिनी पार्क में भी अटैच होने वाले हैं और रानीगंज में बैठा छोने वाले। करीब 500 लोग और रैली के साथ जाने के लिए हम सोचे, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से आज हम ये बता रहे, तेलंगाना रियासत में जब तक केसीआर रहेगा अमन चैन रहेगा। इसलिए आज तक 60 साल से हुक्मरानों के कितने के लोग टीडीपी पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो हुकूमत करे, आज तक मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं कर सके। आज केसीआर साहब के रियासत में टीआरएस के रियासत में हम सब लोग हिंदू हो मुसलमान हो आज अमन चैन से रह रहे। इसीलिए हम ये मीटिंग सक्सेस करने के लिए मेरे साथ जो हर डिवीज़न के लोग है, खमरापा है, आसिया मैडम है, कलीम साहब है, सुजात भाई है और बब्बू भाई है, नज़ीर भाई है और सब लोगों को मैं जो भी मेरे साथ है सब लोगों को भाइयों को बता रहा हूँ, मेहनत करके साथ चलेंगे। अफसर भाई भी है यहाँ पर हमारे साथ, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ हम काम करेंगे जो हम इलेक्शनों में 16 सीट जीतने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा तेलंगाना में अमन चैन है, हिंदुस्तान में अमन चैन होना है, ये अमन चैन होना केसीआर के साथ ही होगा, दूसरे लीडर के साथ अमन चैन नहीं होगा। आज देख रहे हैं मोदी सरकार में देश के कितने लोग परेशान हुए, नोटबंदी से परेशान हो गए, जीएसटी से परेशान हो गए, ये परेशानी दूर ख़त्म करने के लिए केसीआर साहब ने जो हिंदुस्तान में